मेरा जो क्वेश्चन है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। जैसा कि हम अभी सबका सुन रहे थे और सर भी बोल रहे थे कि कोई भी काम करने से पहले छोटा छोटा गोल बनाना चाहिए, उस पर केयर करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरा फ्रेंड है जो कि हम उसको जानते पर्सनली जानते थे, उसको देखते थे कि वो मतलब सीए का स्टूडेंट है, वो छोटा छोटा चीज़ को केयर करता था, छोटा छोटा गोल को केयर करता था, फिर भी वो एग्ज़ाम में जाके मतलब वो उसका नहीं हो पाता था। इससे हुआ क्या कि वो सुसाइड कर लिया। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कब तक हम छोटा छोटा गोल बना के उस पर केयर करते रहेंगे, कि लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो कब तक हम तालाब भरने का इंतज़ार करेंगे। ऐसे तो ये होगा समय भी निकल गया और वो काम भी नहीं हुआ, तो इससे हुआ ना मोहब्बत मिली ना मिसाले सनम। देखिए, इनके सवाल के माध्यम से मैं सबसे पहले यही संदेश देना चाहता हूँ कि इंसान को जीवन में कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। जब आप कुछ करने के सपने देखते हैं तो करते करते कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हैं, लेकिन जब आप किसी महत्वाकांक्षी सोच के साथ ठान लेते हैं कि मुझे कुछ ये बनना ही है, तो आप बन भी सकते हैं नहीं बन सकते हैं। बन गए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बने तो ऐसे केस में जीवन जीने का आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे आप, और ऐसे में आप खुश रहेंगे। आप जो कुछ भी बनिएगा आनंद लीजिएगा उस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, IAS नहीं बनना है अपने को, IAS पोस्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके जीवन का गोल ऐसा होना चाहिए कि मुझे समाज से भी बनना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। IAS बन गए तो बन गए, नहीं बने तो स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, अनाथ आश्रम खोलेंगे, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारा तरीका है समाज सेवा करने का। आपके जिस फ्रेंड ने सुसाइड किया, CA बनना चाहता था, क्यों सुसाइड किए? क्योंकि CA ही बनना था। ऐसा सोच नहीं होना चाहिए दोस्तों। उनका सोच ऐसा होना चाहिए था कि मुझे अकाउंट्स के क्षेत्र में अच्छा करना है। अगर उनका ऐसा सोच होता तो अगर एक जूनियर अकाउंटेंट से ही शुरुआत करते, 2-4 साल प्रैक्टिस करके एक दिन सीनियर अकाउंटेंट बन जाते, फिर संभव था कि आगे चल करके वो CA जितना भी पैसा कमाते उनसे भी ज़्यादा नाम कमा सकते थे। अरे कोई जरूरी है कि CA ही बनेंगे? ऑल सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर नॉट CA एंड ऑल CA आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन। आप एक भी CA का नाम बताइए जिसको पूरा इंडिया पहचानता है। क्या बोर्ड के को फाउंडर का नाम बताइए, गामन गुप्ता। ही इज नॉट पॉपुलर ड्यू टू CA, ही इज पॉपुलर ड्यू टू बोर्ड कंपनी। CA कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है कि CA नहीं बने तो सुसाइड कर ले। गोल ही गलत बनाते हैं सबसे पहले तो। और मैं इस बात का मिसाल देश के दो बड़े दिग्गज लोगों से देना चाहता हूँ। एक हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब एक बच्ची ने सवाल पूछा मोदी जी से कि क्या कभी आप बचपन में ऐसा सोचते थे कि बड़े होकर मैं PM बनूंगा? सर, क्या आपने एक बालक के तौर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि आप विश्व भर में प्रसिद्ध होंगे? मैंने कभी नहीं सोचा। उससे मुझे लगता है कि कभी कभी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ा बोझ बन जाती है, बड़ा संकट बन जाती है। और इसलिए मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे होते हैं। सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। डॉक्टर बनना था, क्लार्क बन गया। डॉक्टर बनना था, ड्राइवर बन गया। वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो बना है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए कुछ करने के सपने देखे। और दूसरा, भारत के महानतम क्रिकेटर में से एक महेंद्र सिंह धोनी, तो आप खुद देखिए क्या कहा था इन्होंने। मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूँ, चाहे आज खेलूँ, 6 महीने बाद खेलूँ या 3 महीने बाद खेलूँ। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, यू नो, ये मेरा माइलस्टोन होना चाहिए। स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है। यू नो, जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है। सो दैट इज़ द पर्पस। यू नो, माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा। यू नो, माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड हैं, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। यू नो, सो इट्स नॉट अबाउट माइलस्टोन, व्हाट इट्स अबाउट इज यू नो हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट, हाउ गुड यू आर, एंड देन यू टेक इट फॉर। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है।
तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, यू नो, लेट्स से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है. सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, यू नो, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग. Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present mein jo main karta hu, uska effect aap bol sakte ho, aane wale future mein padta hai. Kya bola Dhoni ne? Ki main kabhi bhi ye soch ke nahi khelta tha ki main aage chal ke koi sportsman banunga. मैं कभी ये सोच के नहीं खेलता था कि मैं कभी टीम इंडिया में सेलेक्ट भी होऊंगा. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिता के दूंगा. दोस्तों, इन्हें बस खेलना अच्छा लगता था. मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं कल कौन सा मैच खेलूंगा, मैं परसों कौन सा मैच खेलूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था. और इस तरह की सोच ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने में बड़ा मदद किया. मैं ज्यादा आगे की ना सोच करके करंट की प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देता था कि एट द सेम टाइम करंट टाइम में किन किन प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देकर के मैं और अच्छा कर सकता हूँ, छोटे छोटे गोल्स अचीव कर सकता हूँ और अभी करंट में सक्सेसफुल हो सकता हूं. मैं कभी भी ज्यादा फ्यूचर के नहीं सोचता था. और दोस्तों, चलता हूं लेकिन जाने से पहले मेरे इस दो लाइन को जीवन में उतार लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, गोल्डन स्टेटमेंट. चलता रहूंगा पथ पर, चलने माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा.